चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान स्टेट का सेकंड राउंड ऑफलाइन होना है और वो रीशेड्यूल हो चुका है, यानी कि जो पहले शेड्यूल आया था वो एक्सटेंड हो चुका है। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कौन सी डेट को कौन सा इवेंट होना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना है उसकी लास्ट डेट 6 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दी गई है। कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और जिन्होंने सिक्योरिटी मनी, जिसको रजिस्ट्रेशन फीस कहा जाता है, रिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 5,000 रुपीज है और जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10,000 है। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए 1,00,000 रुपीज है। तो ये जो लास्ट डेट रहेगी इसकी डिपॉजिट करने की, वो 6 मार्च 2022 तक रहेगी। इसके बाद में हम बात करें कि इसमें जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड होगी, पब्लिश होगी, वो किन किन कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, डिफेंस और पैरामिलिट्री के लिए, एनआरआई के लिए, ये इन 3-4 कैटेगरी के लिए जो प्रोविजनल लिस्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पब्लिश होनी है वो 3 मार्च को हो जाएगी, यानी कि 3 को कल हुई नहीं, आज हो जाएगी वो 4 मार्च को। इसके बाद में जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स जो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, मैं फिर बता देता हूं, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी सेकंड राउंड ऑफलाइन के लिए और सेकंड राउंड ऑफलाइन के लिए सीट मैट्रिक्स आएगा वो 7 मार्च 2022 को आएगा अभी। इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और सीट अलॉटमेंट होगा डिफेंस, पैरामिलिट्री और एनआरआई कैंडिडेट का, वो 9 मार्च 2022 को होगा। फिजिकल तौर पर स्टूडेंट को प्रेजेंट होना पड़ेगा आरयूएचएस डेंटल, ये 3 कैटेगरी के लिए, इसमें डिफेंस, पैरामिलिट्री, एनआरआई और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। सुबह इसमें ये 9 तारीख को सुबह 10 बजे प्रेजेंट होना होगा 9 मार्च को। इसके बाद सभी कैटेगरी का जो कंबाइंड सीट मैट्रिक्स आ जाएगा 7 को और उसके बाद में अलॉटमेंट होगा, फिजिकली अलॉटमेंट होगा ये 10th से लेकर के 17 मार्च 2022 को होगा। यानी कि जो ऑफलाइन काउंसलिंग होगी वो 10th मार्च 2022 से लेके 17th मार्च 2022 तक होगी। पहले ये 7 से 13 मार्च रखा गया था, अब इसको एक्सटेंड करके 10th मार्च से लेके 17th मार्च 2022 तक रखा गया है। तो जिन कैंडिडेट को राजस्थान के सेकंड राउंड में सीट लेनी है, पार्टिसिपेट करना है, वो उनको फिजिकली तौर पर प्रेजेंट रहना होगा आरयूएचएस डेंटल 10th मार्च से लेके 17th मार्च 2022 तक। टाइम शेड्यूल अभी जारी होना बाकी है, कौन से कैंडिडेट का कौन सी डेट को इसमें नंबर आएगा ये अभी जारी होना बाकी है, यानी कि टाइम स्लॉट जारी होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जयपुर पहुंचना होगा ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। उसके बाद जिन कैंडिडेट को वहां पर सीट अलॉट हो जाती है उन कैंडिडेट को 10th मार्च से लेकर 21 मार्च तक कॉलेज में रिपोर्ट करनी होगी। तो ये एक इसका शेड्यूल है जो रीशेड्यूल किया गया है राजस्थान स्टेट की ऑफलाइन काउंसलिंग सेकंड राउंड का। अब इसकी कंडीशन भी इसमें दी गई है कि अगर आप सेकंड राउंड में सीट ऑक्यूपाई कर लेते हैं, सीट ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आप किसी भी कंडीशन में सीट को छोड़ नहीं सकते, ये बिल्कुल इसमें क्लियर लिख रखा है और इसके कंडीशन आप देख भी सकते हैं। अभी आपने काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कैसे करना है, क्योंकि मैंने जो पिछला शेड्यूल बताया था उसमें काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि इसमें पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। तो जिन कैंडिडेट ने अभी तक कोई सीट नहीं ली है, जिन कैंडिडेट ने अभी तक कोई सीट नहीं ली है और राजस्थान के राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वो कैंडिडेट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने टाइम शेड्यूल
जो इसमें दिया जाएगा, टाइम स्लॉट दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग RUHS डेंटल पहुंच जाएं। इंट्री टिकट पहले आपको डाउनलोड करनी होगी वेबसाइट से, और ये पहले रोज ही डाउनलोड होती है। जैसे कि जिसका शेड्यूल 10 मार्च को है जिस स्टूडेंट का, तो 9 मार्च को वो इंट्री टिकट डाउनलोड करेंगे, जिसका 11 मार्च को है वो 10 मार्च को करेंगे। यानी कि एक दिन पहले ये वेबसाइट पर अवेलेबल होगी, आप लॉगिन करेंगे तो आपका इंट्री टिकट आ जाएगा। वो इंट्री टिकट लेके आपको जाना वहां जरूरी है, और वो आपके टाइम से एक दिन पहले, यानी कि जो टाइम स्लॉट है वेबसाइट पर पब्लिश होगा पहले दिन, उसके अकॉर्डिंग आपको वो लेके जाना है। एंट्री टिकट एक दिन पहले प्रिंट होगा। इसके बाद लेकर के क्या क्या जाना है, जिन्होंने सीट नहीं ली है उन सबको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। जिन्होंने राजस्थान के फर्स्ट राउंड में सीट ऑक्यूपाई कर ली है, सीट पर ज्वाइन कर लिया है, उनको फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, और उसके साथ ही वहां से फीस की रिसिप्ट मिली होगी। सभी ने जयपुर ज्वाइन किया होगा SMS में, वहां से उनको एक फीस की रिसिप्ट मिली होगी। वो फीस की रिसिप्ट और अलॉटमेंट लेटर लेके उन कैंडिडेट को जाना है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ज्वाइन कर रखा है ऑलरेडी। अब कई कॉलेजेस ऐसे थे जिन्होंने फीस की रिसिप्ट नहीं दी थी फर्स्ट राउंड में, जैसे डूंगरपुर ने नहीं दी थी, और भी कॉलेज ऐसे थे जिन्होंने, एक दो कॉलेज ने फीस की रिसिप्ट नहीं दी थी। तो ऐसे कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको डूंगरपुर अलॉट हुआ था, फर्स्ट राउंड में ज्वाइन कर लिया, फीस की रिसिप्ट नहीं मिली, तो उनको फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। वहां पर उनके पास पूरा रिकॉर्ड है कौन से कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है, कौन से कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया है, तो उनको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये शेड्यूल रहेगा। आप एक बार, अभी आपको करना क्या है, अभी आपको यही करना है, आपने अगर राजस्थान के सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो जैसे ही टाइम स्लॉट आएगा, उस टाइम स्लॉट में अपने ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग ये चेक कर लें कि आपका कौन सी डेट को काउंसलिंग है, कौन सी डेट को आपको जयपुर पहुंचना है, और वहां पहुंच करके आपको सीट अलॉटमेंट, आपके मेरिट नंबर तक सीट अलॉटमेंट होगी। वो अलॉट होने के बाद आप SMS में बॉन्ड वगैरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, और फिर आप कॉलेज में भी बॉन्ड वगैरह की फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। तो ये एक शेड्यूल रहेगा आपका, किस प्रकार से काउंसलिंग करनी है, क्या करना है, ये सारा शेड्यूल मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद में जो कैंडिडेट रिजाइन देना चाहते हैं, वो ऑन स्पॉट वहां अपनी मेरिट नंबर तक रिजाइन दे सकते हैं, यानी कि आपका वहां पर नंबर आ रहा है तब तक आप वहां रिजाइन दे सकते हैं। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ज्वाइन कर लिया वो भी दे सकते हैं, अगर आप सेकेंड राउंड में वहां सीट नहीं लेना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। अब अपग्रेड कैंडिडेट को, अपग्रेड कैंडिडेट के लिए मैंने बता दिया है फी, जिन्होंने फीस की रिसिप्ट लेके जानी है, अलॉटमेंट लेके जाना है। जिन्होंने अपग्रेड नहीं करवाना है, जिन कैंडिडेट को अपग्रेड नहीं करवाना है, फर्स्ट वाली सीट को ही रखना है, जो फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई उसी पर वो चाहते हैं कि हम इसी पर MBBS करें, तो उनको कोई जरूरत नहीं है इस राउंड में जाने की। वो डायरेक्ट कॉलेज में जाके पूरी एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करके अभी भी वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि 21st से पहले उनको कॉलेज में रिपोर्ट करनी ही करनी है। जो कैंडिडेट अपग्रेड नहीं करवाना चाहते हैं फर्स्ट राउंड में, जिन्होंने सीट ले ली है, तो ये कंडीशनें हैं सेकंड राउंड के लिए। बाकी जो भी अपडेट मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।